इसलिए अदालत और हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों फैसले सुनने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फैसला सच है अदालत है? आपकी निजी राय जानना चाहूंगा। देखिए, बेशक कोर्ट जो करता है बेहतर करता है, सही करता है, उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वो कोई भी हो, आदित्य एक्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, देश का कोई मामूली इंसान हो या कोई भी हो, कोर्ट जो भी फैसला देता है उसे कबूल करना चाहिए और जो भी अभी तक फैसले आए वो बेहतर आए और अच्छे। मृतक के परिवार के साथ आपकी क्या संवेदना होगी? बेशक ये एक एक्सीडेंट है, एक हादसा है। जैसे कि आप देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हादसे होते रहते हैं, लोगों को 1200 रुपए की जामिन पे छोड़ दिया जाता है। ओके, उसके बाद वो ट्रक्स वाले कहाँ जाते हैं, वो गाड़ी वाले कहाँ जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं चलता। बात यह है कि ये है सलमान खान, एक एक्टर हैं जिससे काफ़ी लोग इनके नाम को उछाल के अपने नाम को फेमस करना चाहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से जाहिर बात है उनके घर वालों को उनसे फ़ायदा मिलना चाहिए। आखिर गरीब कब तक मरता रहेगा? देखिए, आपका सवाल एकदम सही है, आखिर गरीब कब तक मरता रहेगा। ये हाईलाइट मिशन जो है ना, उन्हीं सलमान खान के लिए क्यों? दिस इज अ फैक्टर। अगर सलमान खान से एक हादसा हो गया, समझिए हादसा ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में होते, उसका मुआवजा देना चाहिए। अब वो कोर्ट के फैसले के हिसाब से जो भी बेहतर है वो अच्छा है। हमें सिर्फ बताएं कि ये कहीं पतंग उड़ाने, उनके साथ पतंग उड़ाने का जो आज ये फैसला आया है, जिसमें क्या लगता है आपको, पतंग उड़ाए पतंगबाजी का मतलब? देखिए, इसको मैं पॉलिटिक्स से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैं जुडिशरी पे और न्यायालय पे पूरा भरोसा रखता हूँ। जो लोअर कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, उन्होंने अपने हालात के हिसाब से जो भी गवाह थे उसके हिसाब से दिया था, उसको भी मैं गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट ने हमारे जो फैसला दिया उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं खुश हूँ कि एक आदमी जो उसकी फैमिली परेशान था, वो परेशान था, आज उससे छुटकारा मिल गया है। और साथ में जो मृतक हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनके साथ भी मैं पूरी तरह से हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगा कि उनकी भी जो है सहायता की जाए, उनकी भी मदद की जाए। और लेकिन मैं पूरी तरह न्यायालय पे जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके साथ हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।